नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले के पीछे युवक द्वारा शादी से इनकार करने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जय जगत कॉलोनी निवासी खुशबू नामक युवती ने गुरुवार रात अपने कमरे में फांसी लगा ली। घटना के समय परिजन घर पर ही मौजूद थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। परिजनों के अनुसार युवती की सिंधी कॉलोनी में रहने वाले एक युवक से शादी होने वाली थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से युवक शादी को लेकर मना कर रहा था, जिसके चलते उसने ये कदम उठा लिया। श्याम बदलानी। श्याम जी, ये जो लड़की है आपकी कौन है? भतीजी है मेरी। तो क्या हुआ था? सर, लड़के से धीरज करके बात चलती थी, सिंधी कॉलोनी का लड़का है। हाँ। तो उससे हाँ हो गई थी। हाँ। लड़का पहले बोल रहा था करूँगा शादी। हाँ। अभी दो चार दिन से कोई अनबन हुई तो ये हुआ ऐसे काम में। उसके रंजगम में फांसी लगा ली जी। तो इसका क्या जन्मदिन भी था क्या? कोई जन्मदिन 8-10-15 दिन पहले था। अच्छा, तो ये लड़के ने मना करा इसीलिए इसने जी क्या क्या हुआ इसमें? ये 2-4 दिन पहले आना हो रही थी तो उसके चक्कर में ही हुआ है ये पूरा काम। घबरा गई लड़की? हाँ। क्या कि पहले हाँ हुई थी, 2-3 बार घर पे भी आ गए थे, लड़के ने हाँ करी थी, फिर अभी ना कहाँ करी थी तो उसके चक्कर में ऐसा काम हुआ है। क्या नाम है आपका? श्याम बदलानी। कौन है उसके? चाचा जी बोल रहे हैं। कोई वर्ग हुआ है, क्या मामला है, कौन लड़की है, कहाँ तक पढ़ी लिखी है, कुछ कारण आया हो? जी, ये थाना अन्नपूर्णा के पीछे जजगत कॉलोनी का मैटर है। इसमें खुशबू बदलानी नाम की 23 साल की उम्र की लड़की है, जिसने कल शाम को फांसी लगाकर सुसाइड किया है अपने कमरे पे, जिसकी सूचना इनके परिजनों द्वारा थाने पर दी गई थी। मृतिका के शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल लेके आया गया है, इनका पीएम कराया जा रहा है और अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि क्या कारण है बच्ची के सुसाइड का। बच्ची पढ़ी लिखी है और कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है घर से, एवं ऐसा कोई अभी स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है कि क्या है। इसकी जांच की जा रही है, जब जांच में पता चलेगा तब स्पष्ट कारण पता चलेगा। द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।